मनोज, क्या आप अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं? हाँ ज़रूर, मेरा नाम मनोज बोरसे है, मैं धुलिया से हूँ जो रूरल एरिया है, एमपी के बॉर्डर पे है। और हमने आपके बारे में ये सुना कि आपने चेस के लिए अपना इंजीनियरिंग का लास्ट ईयर डिप्लोमा में थे आप, और आपने छोड़ दिया वो। हाँ, ये बात सही है? हाँ जी, बहुत कम्प्लीटली बहुत सही है, क्योंकि तब पता नहीं था कि मुझे जीएम होना है या फिर चेस खेलना है, ऐसे कुछ एम्बिशंस नहीं थे तभी। बट जब मैं सेकंड ईयर में था तब हमारे यूनिवर्सिटी में केजे सोमैया से मैं पढ़ता था, तभी केजे सोमैया में, तब मेरे यूनिवर्सिटी में एक बड़ा सा चेस बोर्ड है, तो वहाँ पे मैंने खेलना शुरू किया धीरे धीरे। और जैसे जैसे बाकी प्लेयर्स को हराते गया, उन्होंने फिर मुझे एक इंट्यूशन दिया कि आप अच्छे प्लेयर बन सकते हो, आपको चेस खेलना चाहिए। तब मैंने जस्ट एक प्रैक्टिस के लिए, एक वजह फाउंडेशन तब टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराती थी, तब मैं वो टूर्नामेंट खेला, और दैट टाइम मुझे लगा कि मैं कुछ बहुत अच्छा प्लेयर बन सकता हूँ, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मुझे हाँ अभी चेस के लिए शुरू करना चाहिए। आप कितने साल के थे तब? आई वॉज अबाउट 21, 21 साल का था मैं तब शायद। 21 साल के थे और आपको चेस का रेटिंग था तब? नहीं, मैं अनरेटेड था तभी, पूरा अनरेटेड था। सो आप अनरेटेड थे और आप इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में थे और आपने वो छोड़ के ये चीज चेस में आप गए जहाँ पर आपको फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं थी। मुझे इंजीनियरिंग की भी कोई गारंटी नहीं थी, बस जस्ट मुझे लगता था कि हाँ, मुझे बचपन से लगता था कि मेरा मैथ्स अच्छा है इसलिए मैं इंजीनियरिंग में घुसा। आई मीन ये कुछ अच्छा साउंड नहीं करता है वैसे ही, बट मुझे जो फीलिंग आती थी कि मैं चेस में कुछ बन सकता हूँ, जो बचपन से मैं खेलता था, मेरे पापा मुझे खींच के लेके जाते थे कि बेटा चल चेस खेल बचपन से, बट मैं तभी इंटरेस्टेड नहीं था। बट पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत अच्छा प्लेयर बन सकता हूँ, तो मैंने घर गया छुट्टियों में, पापा को एक सीक्रेट लेटर लिखा जो उनकी जेब में डाला, फिर हम एक छुपके से एक गार्डन में मिले, तब पापा ने पूछा क्या दिक्कत है, तो मैंने बोला कि मुझे ग्रैंड मास्टर होना है, दैट वाज मैं, मुझे इंजीनियरिंग नहीं करना है, मुझे ग्रैंड मास्टर होना है। तो पापा ने बहुत, आई मीन बहुत काफ़ी सपोर्ट किया, पापा की वजह से मैं आज ये कर पा रहा हूँ, नहीं तो फिर इंजीनियरिंग था। फिर आपने जब इंजीनियरिंग छोड़ा और चेस की तैयारी शुरू की, तो आपके रिजल्ट्स कैसे रहे? शुरुआती में इंट्यूशन पे था, सब कुछ लगता था इसीलिए खेल रहा था, शुरुआती शुरुआती सब अच्छा होता है, फिर यूट्यूब से देख देख के मैंने सीखना शुरू किया, जैसे जैसे नेट पे जैसी इंफॉर्मेशन मिलती थी तब वैसे करता गया, पापा का काफ़ी सपोर्ट रहा तो कुछ टूर्नामेंट्स भी खेल पाया, तब मैं रेटेड हुआ, आई मीन अहमदनगर में पहले टूर्नामेंट खेल के मैं रेटेड हुआ, फिर पापा ने बोला कि हाँ आपके पास अभी 6 महीने हैं, आप डू और डाई की कंडीशन में हो जिस उम्र में आपने इंजीनियरिंग छोड़ा है, लेट सपोज कि आप नहीं बन पाते हो तो क्या, एक बैकअप प्लान होना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि हाँ आपके पास 1 साल है, अगर आप कुछ कर पाते हो चेस में तो ठीक, नहीं तो फिर से हम एजुकेशन की तरफ मुड़ेंगे। मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तब मैंने 6 महीना घर छोड़ के फिर सिर्फ एक टूर्नामेंट के लिए प्रैक्टिस की जो कि मुंबई मेयर्स कप के नाम से पहचानी जाती, और मैंने 6 महीने सिर्फ चेस पे ध्यान दिया उस टाइम, और फिर मैं मेयर्स कप जीता 2015 में। तो आप सी ग्रुप जीते थे? हाँ। और क्या प्राइज मनी था तब? 1 लाख रुपए प्राइज मनी था उसका तो उस टाइम, तो वो काफी बड़ा बूस्ट रहा रहेगा आपके। हाँ वो काफी बड़ा, आई मीन उसी, मुझे याद है कि मुझे मेरे दोस्त ने हेल्प की थी, मेरे पास तभी लैपटॉप नहीं था, तो लैपटॉप सिर्फ 15 मिनट चलता था, फिर बाद में गर्म होकर बंद हो जाता था, तो सिर्फ 15 मिनट में मुझे जो प्री टूर्नामेंट प्रिपरेशन था वो मैं करता था, और फिर बाद में वो गर्म होकर बंद हो जाता था, तो उसी 1 लाख से फिर मैंने फर्स्ट टाइम जल्दी से, जैसे ही मैं जिस टाइम मुझे प्राइज मनी मिला उसी दूसरे दिन मैंने लैपटॉप लिया और सब डेटा इंस्टॉल किया, जो दोस्तों ने मुझे काफ़ी हेल्प की थी, तब ये सब लीगल जाना चाहता था कि आप डेटा शेयर कर सकते हो। बट आप चेस प्लेयर थे और उसके बाद थोड़े साल में आपने मनोज चेस एकेडमी शुरू की जहाँ पे अब 320 बच्चे रजिस्टर्ड है, तो ये कैसे हो गया? ये काफ़ी लंबी स्टोरी है, क्योंकि जब मैंने मेयर्स कप के टाइम घर छोड़ा था तभी पापा ने ऐसे जानबूझ के नहीं बोला था, बट पापा ने जस्ट मुझे एक जताने के लिए कि आप इंडिपेंडेंट बनो इस उम्र में, आप अपने सपने खुद के बेस पर जीना चाहिए, इसलिए पापा ने बहुत अच्छा खासा मोटिवेटेड फील कराया था। तभी मैं क्लासेस चलाता था कि जहाँ पे मैं घर छोड़ के रह रहा हूँ, मैं बचपन से ऐसे ही रहा हूँ कि अकेला रूम में प्रैक्टिस करना है एंड ऑल, तो मैं घर छोड़ के प्रैक्टिस करता था, तो रूम का रेंट भरने के लिए मैं क्लासेस चलाता था,
और उसी से जो शुरू हुई धीरे 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 एकेडमी इतना बढ़ गया कि आई मीन मुझे फिर एक्स्ट्रा कोचेस लगाने पड़े, हायर करने पड़े, जिसके हिसाब से फिर अभी अच्छा खासा चल रहा है एकेडमी, मोनो चेस एकेडमी शिरपुर में। तो आपका सबसे फेमस एकेडमी आपके एरिया में? मेरे पूरे डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ मेरी एकेडमी है फिलहाल, अभी कोई एकेडमी नहीं है पूरे डिस्ट्रिक्ट में। और आप सोशल वर्क भी करते हैं चेस के थ्रू? चेस के थ्रू सोशल वर्क, आई मीन ये शुरुआत हुई एक स्कूल टूर्नामेंट से, कि जहाँ पे मेरे एकेडमी के बच्चे को एक आदिवासी बच्चे ने हराया था। तो तब हमें लगा कि ऐसे बच्चों से हमें जाके मिलना चाहिए, तो हमने जैसे जैसे शुरू किया तब जाके पता चला, मैंने जो आपके फ़ोटो शेयर की वो आप दिखा सकते भी हो, कि आदिवासी बच्चे कैसे प्रैक्टिस करते हैं ये सब माहौल में, कि पेंस के निप से आप वो पीसेस समझना, फिर कोलगेट का जो बॉक्स आता है उसके हिसाब से आपको पेंट करके सब चेसबोर्ड बना के वो खेल रहे हैं, और उस हिसाब से वो स्टेट लेवल तक जा रहे हैं। तो मुझे लगा कि उन बच्चों को हमें मदद करनी चाहिए, तो उस हिसाब से हमने एक पैटर्न रखा कि हमारा एकेडमी का 20% प्रॉफिट शेयर उन बच्चों को जाएगा। तो उस हिसाब से हमने फिर उनको हेल्प करना शुरू कर दिया, और फिर जैसे जैसे हम ऐसे बच्चों को ढूंढते गए, फिर ऐसे कुछ जानकार लोग भी मिले जो ये इन सब चीज़ों में मदद करना चाहते थे। तो एक ठाकुर सर, एक शिक्षक है जो प्राइमरी टीचर है, वो अपना आधा सैलरी उन्हीं बच्चों के डेवलपमेंट, चेस डेवलपमेंट के लिए खर्च करवा देते हैं। आई मीन ऐसे प्लेयर्स बहुत कम हैं कि जो अपने बच्चों को डेवलप करते करते भी, उन्होंने चेस उस गांव में क्यों शुरू किया, जैसे कि एक साउथ में एक स्टोरी थी जो दारू हटाने के लिए, हाँ, उन्होंने चेस शुरू किया था, वैसी सेम स्टोरी इसी गाँव की भी है, वडेल नाम है उस छोटे से गाँव का। तो उसमें भी उन्होंने इसी हिसाब से शुरू किया कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनको बहुत जल्दी बुरी आदतें लग रही है पापा का मम्मी का सब कुछ देख के, क्योंकि गांव में बहुत व्यसन है, तो उसको हटाने के लिए उन्होंने चेस डेवलप करना शुरू कर दिया। तो हमारी एकेडमी उनको चेस बोर्ड्स प्रोवाइड करती है, चेस क्लॉक्स एंड चेस ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, और उस हिसाब से फिर ये सब ऐसे चल रहा है सोशल वर्क। बढ़िया। और आप टेक्नोलॉजी का भी काफ़ी यूज़ करते हैं अपने ट्रेनिंग में? हाँ, आई मीन चेस बेस ने बहुत हेल्प की है उस बारे में हमें, क्योंकि मैं ऑनलाइन कोचिंग के लिए टीम व्यूअर का इस्तेमाल करता था शुरू में, फिर जैसे जैसे चेस बेस का पता चला कि हम आपके कोचेस के साथ वर्क कर सकते हैं क्लाउड डेटाबेस से, तो फिर मेरे बच्चों को मैंने चेस बेस अकाउंट खरीदने के लिए बोला, और उस हिसाब से उन्होंने बहुत सारी मेहनत की है। कुछ उसमें से कई सारे बच्चे चेस बेस का अकाउंट यूज़ करके रेटेड बने अभी फ़िलहाल, जो कि मेरी सिस्टर है जो फर्स्ट फीमेल रेटेड प्लेयर बनी हमारे डिस्ट्रिक्ट की, उसको यूज़ करते हुए। वाह, बढ़िया है। पर आपने जब चेस छोड़ा, सॉरी पढ़ाई छोड़ा था, वो था चेस प्लेयर बनने के लिए, और आप बहुत अच्छे चेस कोच हो गए, तो अब कुछ प्लान है वापस चेस में आने का? जी हाँ, एक्चुअली कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस थी, क्योंकि आप जब 22 की उम्र में ये सपना देखते हो कि आपको जीएम बनना है, तो आपको फाइनेंशियली बैकअप भी होना चाहिए, जो कि नहीं है हमारे बहुत सारे मामले में। आई मीन हमारे इधर उतने स्पॉन्सर्स हम नहीं जमा कर पाए, तो बहुत बार पैसों की वजह से मैं बहुत सारी टूर्नामेंट नहीं खेल पाता था। तो पापा का बहुत सारा सपोर्ट्स था, बट मैं नहीं चाहता था कि मैं हम घर से पैसे मांगे, इसलिए मैंने एकेडमीज और ये सारी चीज़ें चालू की, जो कि मुझे लगता है कि चेस में बहुत सारे प्लेयर्स की ये स्टोरी रही है। मैं अगर कुछ दोस्तों के नाम लूँ तो गलत नहीं होगा, गणेश ताज ने जैसे महाराष्ट्र चैम्पियन रह चुके जो है, बहुत सारे है हमारे दोस्त जो ये कर रहे हैं, इट्स कि वो आपको रुकना पड़ता है कहीं पे, तो पैसों की ज़रूरत की वजह से मैंने एकेडमी शुरू की, बट अभी मुझे लग रहा है कि मैं फाइनेंशियली साउंड हूँ उस हिसाब से कि टूर्नामेंट खेल पाऊँ। तो अभी फरवरी से जो हमारी डिस्ट्रिक्ट में ही ऑल इंडिया ओपन होने वाली है, उसी से मैं शुरू करने जा रहा हूँ, देखता हूँ आगे क्या होगा। धूले में बड़ी टूर्नामेंट होने वाली है फरवरी में? हाँ, ऑल इंडिया ओपन है जो कि हमारे धूले चेस एसोसिएशन ने अभी ऑर्गेनाइज की है, तो इट्स नाइट्स प्लेटफॉर्म टू पार्टिसिपेट इन दैट टूर्नामेंट। मनोज, आपकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प थी। हम यही आशा करते हैं कि आप बहुत बड़े चेस प्लेयर बने, पर आपने ऑलरेडी चेस को बहुत अच्छे से स्प्रेड किया है अपने एरिया में, और उसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू फिर सागर।